कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है, डीएसपी है, कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच हैं वो। मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। जाओ जाकर अपने भानु प्रताप ठाकुर से कह दो कि ये थाना है, कोई पंचायती खेत नहीं, जहां वो अपनी मर्जी का हल चलाए, फसल बोए, समझे? Get out! देशराज ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई ठाकुर भानु प्रताप का आदमी आया था इस लड़की की जमानत के लिए। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया? मैंने लड़की को नहीं छोड़ा। अरे मर जाने, छोड़ना भी नहीं, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मर जाने सुन ना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस थाने में ही सड़ेगी। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे, अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, सेक्शन 50 एंड 57 एंड अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जनाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है? कौन से कानून का प्रोफेसर समझ कर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको यह वर्दी दी है? कौन सा कानून? कौन सा कानून? प्रेम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 3 3 9 5 2। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है, और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़ दिए सर।